हमारा चैप्टर है ना, देख रहे हैं ऐसे देख। अगर 2D प्लेन की बात करें तो अभी तक हमने जो इस तरीके का प्लेन देखा है इसे हम क्या बोलते हैं, 2D। ये एक्स एक्सिस होती है और ये हमारी क्या होती है, 1 2 3 4 चार क्वाड्रेंट। पहले में एक्स भी क्या होता है, पॉजिटिव, वाई भी क्या होता है, पॉजिटिव। सेकंड में एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में एक्स भी नेगेटिव, वाई भी क्या होता है, नेगेटिव। थर्ड में एक्स पॉजिटिव, वाई क्या होता है, सॉरी फोर्थ में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, वाई क्या होता है, नेगेटिव। क्लियर है? इसे हम क्या बोलते हैं, 2D प्लेन। 3D जो हमारा प्लेन होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता भाई। 2D प्लेन का सिंपल सा मतलब है दो एक्सिस होंगी, कितनी होगी, दो, एक्स और वाई। 3D में तीन एक्सिस होंगी, एक्स वाई जेड। क्लियर है? इस तरीके का हमारा प्लेन होता है, ये एक्स, ये वाई और ये क्या होता है, जेड। लेकिन ध्यान आ रहा है कि 3D प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों आपस में क्या होती है, परपेंडिकुलर। क्या होती है, परपेंडिकुलर। जैसे ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, तीनों एक्सिस आपस में कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। क्लियर है? तो ये हमारा 2D प्लेन, ये हमारा क्या होता है, 3D। क्लियर है? इसे पहले हम नोट कर, जो पेपर में क्वेश्चन आया वो आएगा ऑक्टेंट्स को लेकर। ध्यान आ रहा, 8 ऑक्टेंट्स होते हैं, कितने होते हैं, 8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा, ठीक है, 8 दिए हमारे ऑक्टेंट्स। एक्स एक्सिस को लेकर, वाई को लेकर और ये जेड को लेकर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्स वाई जेड, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट देख इससे ऐसे याद करना है, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, चार पॉजिटिव चार नेगेटिव। फर्स्ट ऑक्टेंट में तीनों क्या होंगे, पॉजिटिव। सेकंड ऑक्टेंट में एक्स पॉजिटिव वाई जेड क्या होंगे, सॉरी एक्स नेगेटिव वाई जेड क्या होंगे, पॉजिटिव। थर्ड वाले में एक्स वाई नेगेटिव वाई क्या होगा, सॉरी जेड क्या होगा, पॉजिटिव। फोर्थ वाले में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव और जेड द्वारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ऐसे याद करना, क्लियर है? इस वाले में जो ऑक्टेंट थे मैंने कोड में, कोड नंबर थे 2 -3 5। मुझे बताइए कौन से ऑक्टेंट में आ रहे हैं, तो एक्स की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव, वाई की वैल्यू नेगेटिव और जेड की वैल्यू पॉजिटिव, फोर्थ का ऑक्टेंट। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत? क्लियर सुना? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ रखा हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है कि अगर किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेंगे, d इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, पढ़ा होगा ना? हाँ। अब हमारे पास, तब हमारे पास कितने पॉइंट होते हैं, दो, x और y। अब हमारे पास एक पॉइंट होगा कौन सा, z, तो इसको इक्वल कर देंगे z2 माइनस z1 का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला हो गया डिस्टेंस फार्मूला। क्लियर है? 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देख, 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, हमें दो पॉइंट दे रखा है 2 3 5 4 3 1, ये दे रखे ना, 2 3 5 and 4 3 1, हमें बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1 का स्क्वायर। क्लियर है? ओके, करो। कोई सेकंड क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि प्रूफ करो ये तीनों पॉइंट हमारे क्या है, कोलिनियर, ये क्वेश्चन बोल रहा है ना। तो इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, इसको मैंने बोल दिया सी। अगर कोई भी पॉइंट कोलिनियर, ध्यान रखिए हमेशा के लिए, जिंदगी हमेशा के लिए, अगर कोई भी तीन पॉइंट कोलिनियर है, क्या है, कोलिनियर, तो उनका हाफ हाफ डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल। मतलब या फिर बात करें कि हाफ ऑफ डिस्टेंस इक्वल हो या फिर जो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा, ये हमेशा प्रूफ होगा। हो नहीं पाया लेकिन पेपर में, तो मैं करा देता ना, दूसरा पेपर क्वेश्चन इस तरीके का था, दूसरा था, यही करा।
आंसर अलग ही आ रहा सब पूरा। ए बी का डिसिप्लिन निकाल दें, कैसे निकलेगा? x2 minus x1, हाँ। 1 minus minus 1 plus 2 हो जाएगा, 1 minus minus 2 का plus 2, यानी 3 का square, ये हो जाएगा ना? और y2 minus y1, 2 minus 3 minus 1 का square, z2 minus z1, 3 minus y minus 2 का square, 3 का square 9, 1 plus 4, कितना आ जाएगा? root 14, AB की value क्या आ गई? root 14, अब BC निकाल दें, 7 minus 1, 6, 6 का square 36, 0 minus 2, minus 2 का square 4, minus 1, minus 3, minus 4, minus 4 का square 16, कोई दिक्कत? 16 plus 4, 20 plus 36 कितना हो जाएगा? 56, और इसका root बाहर निकलेगा हमारा 2 root 14, कितना निकलेगा? 2 root 14, clear? अब अगर AC निकालें, x2 minus x1, 7 minus minus 2 plus 2 हो जाएगा, 7 plus 2 कितना हो जाएगा? 9, 9 का square 81, 0 minus 3, minus 3 का square 9, minus 1 minus 1, minus 6 का square 36, तो देखते हैं, 81 plus 9, 90 plus 36 कितना हो जाएगा? 9, 10, 11, 26, इसका निकलेगा 3 root 14, कितना निकलेगा? 3 root 14, AB plus BC कितना मिलेगा? देखो, root 14 plus 2 root 14, कितना आ जाएगा? 3 root 14, मतलब ये condition हमारी क्या हो रही है? True, तो ये हमारा कौन सा point है? Collinear. तीन पॉइंट दे रखे हैं, इस तरीके से मान लो ए बी सी, ठीक है ना? ए वाला पॉइंट है 0, 7, -10, बी हमारा है 1 6, minus 6, C हमारा है 4, 9, minus 6. हमें प्रूफ करना है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी कोई भी दो साइड हमारी क्या होती है? इक्वल होती है। तो अगर हम किसी दो साइड का डिस्टेंस इक्वल ले आए तो हमारा क्या हो जाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले निकालते हैं AB, कैसे निकलेगा? x2 minus x1, सेम वही फॉर्मूला, 1 minus 0 कितना हो जाएगा? 1, 1 का स्क्वायर 6 minus 7, minus 1, minus 1 का square 1, minus 6, minus minus 10, 10 minus 6 हो जाएगा, ये होगा ना? हाँ ठीक है, 4, 4 का square 16, कोई दिक्कत? 16, 17, 18 कितना हो जाएगा? root 18, यानी निकलेगा अपना कितना? root 18, 2 9 जा, 3 root 2 निकलेगा, कितना निकलेगा? 3 root 2 square unit, कोई दिक्कत? अब मैं निकाल दूंगा AC निकाल रहा हूं, तो x2 minus h1, 4 minus 0 कितना हो जाएगा? 4 का square 16, 9 minus 7, 2 का square 4, minus 6, same way, 4 का square 16, 16 plus 4, 20 plus 16, 36, कितना निकलेगा ये? 3 1 जा, 3 4 जा, ये तो नहीं है, ये आएगा 6, ये था 36 आएगा, 6 आएगा ना, है ना? हाँ, हम क्या निकाल रहे हैं? अब इसी निकाल रहे हैं, ठीक है? 4 minus 1, 3, 3 का square 9, 9 minus 6, 3 का square 9, minus 6, ये तो 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना? हाँ, समझ गया। 9 और 9 कितना हुआ? 18, 18 आ जाएगा, 3 root 2, देखो, A, B सेम है और कौन सेम है? BC सेम, दो साइड सेम आ गई, तो क्या हो गया हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्लियर है? अगले पार्ट के लिए क्वेश्चन नंबर 4, फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। इन दो पॉइंट से हमें दो पॉइंट दे रखे, मान लो ये एक ए है, 1, 2, 3, एक हमारा मान लो ये बी है, इसके पॉइंट है 3, 2, -1, हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जो इन दोनों पॉइंट से क्या हो? इक्विडिस्टेंस, क्या हो? इक्विडिस्टेंस, मतलब यहां से लेके यहां तक का और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? बराबर, ओके, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हमें एक ऐसा पॉइंट पता करना है,
ऐसा पॉइंट पता करना जो इन दोनों से क्या हो, बराबर डिस्टेंस पर हो। मतलब AC किसके बराबर होगा? BC। AC कैसे निकालेंगे? X2 minus X1, Y2 minus Y1, Y minus 2 का स्क्वायर plus Z minus 3 का होल स्क्वायर अंडर रूट में X minus 3 का स्क्वायर Y minus 2 का स्क्वायर Z minus minus 1 क्या हो जाएगा? प्लस 1। ओके ठीक है, रूट से रूट क्या हो गया हमारा कैंसिल। या A minus B का होल स्क्वायर A square plus B square minus 2AB, A square plus B square minus 2AB, ठीक है? ओके, that's थोड़ी वाई आया। वाई आया हाँ। A square plus B square minus 2AB है ना? A square plus B square minus 2AB, A square plus B square minus 2AB. A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB ये होगा? या ठीक है, X स्क्वायर से Y स्क्वायर से Z स्क्वायर से X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर कैंसिल। या ठीक है, माइनस 4Y से माइनस 4Y कैंसिल। हाँ, प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल और प्लस 1 से प्लस 1 कैंसिल, प्लस 9 से 9 कैंसिल, प्लस 9 से प्लस 9 कैंसिल। यहां क्या बचा सिर्फ? माइनस 2X माइनस 6 है, Z बचा ना बस। हाँ, वहां क्या बचा? माइनस सिक्स एक्स प्लस टू जेड, कोई दिक्कत ना? इसको इधर लेके आ रहे, ठीक है? तो माइनस टू एक्स ये माइनस में, इधर क्या हो जाएगा? प्लस सिक्स माइनस टू क्या हो जाएगा? फोर एक्स। ये प्लस हो रहा इधर जाके माइनस, माइनस सिक्स माइनस टू कितना हो जाएगा? माइनस एट, ठीक है? दोनों से फोर कॉमन निकालिए तो क्या बचेगा? x minus 2z equal to 0, ये हमारी क्या है? equation। 4 कॉमन निकालिए ना? हाँ निकाल लिया। ठीक है? ओके। तो equation निकाल लेंगे। हाँ equation निकाल लेंगे। अच्छा वो वाली equation। ये वो equation थोड़ी है। कौन सी? अच्छा वो coordinate से ये। हाँ ठीक है। ठीक है? दे। बोल रहा है कि find the equation of set of points P. The sum of distance from the A and B is equal to 10। हमारे पास point P है, x, y, z बोल दिया मैंने इसको। इसका जो A से distance है और A के जो coordinate है वो है हमारे पास 400 और B के जो coordinate है वो हमारे पास है minus 400। हमें बोल रखा है कि AP plus PB is equal to 10। इन दोनों का जो distance है वो कितना है? 10। ठीक है? क्वेश्चन बतानी है। AP को मैं कैसे निकाल सकता हूं? X2 minus X1 का स्क्वायर, X minus 4 का स्क्वायर, Y2 minus 7, Y minus 0 यानी Y का स्क्वायर प्लस Z का स्क्वायर, तो दिक्कत? प्लस PB, X minus minus 4 कितना हो जाएगा? प्लस 4 प्लस Y स्क्वायर प्लस Z स्क्वायर और ये किसके बराबर है हमारे पास? 10 के बराबर, यही है ना? मैंने क्या करा? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, इसको मैं इधर लेकर आ गया तो कितना बचेगा? 10 माइनस x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बचेगा। क्लियर? ओके। ठीक, x माइनस 4 a माइनस b का स्क्वायर होगा यहां पर ना? या काम करा मैंने यहाँ पर पहले स्क्वायर करने से पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, समझ गया। पता क्यों करा? रूट हटाने, रूट हटाने के लिए। तो ये स्क्वायर का रूट कट जाएगा वहां से, क्या बचेगा? x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। लेकिन जब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर डायरेक्ट नहीं हटेगा, यहाँ लगेगा फॉर्मूला। क्या लगेगा? फॉर्मूला a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, समझा? माइनस 2ab यानी 2 × 10 = 20 x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब देख, y स्क्वायर z स्क्वायर कैंसिल, क्लियर है? ओके। ये खुलेगा तो क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x
इसे पूरा कैंसिल, तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ ओवरऑल क्या बचेगा, माइनस एट एक्स इक्वल टू क्या बचेगा, एट एक्स माइनस ट्वेंटी अंडर रूट एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? लिखो यार तो माइनस एट एक्स, एट एक्स प्लस हो रहा है ना, क्या हो जाएगा माइनस, ये हंड्रेड प्लस उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा माइनस ट्वेंटी रूट एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस सिक्सटीन एक्स माइनस टू हंड्रेड सॉरी हंड्रेड इक्वल टू माइनस ट्वेंटी रूट एक्स प्लस फोर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। मैंने यहां से निकाला माइनस कॉमन, और दोनों में से आ सकता है फोर कॉमन, निकाल लिया, इधर बचा फोर एक्स, इधर बचा माइनस ट्वेंटी फाइव। हाँ जी, फोर ही कॉमन आ ना, बस माइनस ट्वेंटी और ये सेम चीज, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से माइनस फोर फाइव सा ट्वेंटी, ठीक है ना, क्या सॉरी प्लस बचेगा ना, तो फिर इधर बच जाएगा 4x plus 25 ओके इक्वल में 5 रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब मैं कह रहा हूं दोबारा स्क्वायर कर, दोबारा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a plus b का होल स्क्वायर 16x स्क्वायर 25 स्क्वायर 625 2ab बन जाएगा आपका 200x, कितना बन जाएगा, हां ठीक, अभी रूट कट जाएगा तो सिर्फ ये बचेगा a plus b का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? आगे सॉल्व हो जाएगा, फाइव का क्या हुआ, फाइव का स्क्वायर 25, ठीक है, ठीक है, क्लियर है, अब आगे सॉल्व हो जाएगा, काटा पीटी है, काटा पीटी है, ठीक है, सुनो पहले आप कराओ उसको। ये बचेगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर 25 इंटू 16 400 25 इंटू 8 एक्स 200 एक्स 25 वाई स्क्वायर 25 जेड स्क्वायर। ठीक है, इन सब को उठा के डाल लेकर आ रहा हूं, तो 25 एक्स स्क्वायर में से 16 एक्स स्क्वायर गए तो कितना बचेगा, 9 एक्स स्क्वायर, 25 एक्स स्क्वायर है ना, कि 16 एक्स स्क्वायर है ये ना, कुछ 25 x² 25 z² 25 x² 25 x² 16 x² 25 x² 16 x² 25 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 x²
225 में से 400 कितना बचेगा 225 बड़ा कौन ये साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का क्योंकि इधर आ रहा है इक्वल टू 0 और ये हमारी बन गई इक्वेशन क्लियर है खत्म क्वेश्चन हमारा